सोचो एक शहर जो लगता है जैसे वक्त ने भुला दिया हो, यह है ओरछा, बुंदेलों का शहर, जहाँ की हर दीवार हर महल अपनी खुद की एक कहानी रखता है। आज हम निकल पड़े हैं उन्हीं कहानियों को ढूंढने। सफ़र शुरू होता है राम राजा मंदिर से, एक ऐसी जगह जहाँ भगवान राम को राजा की तरह पूजा जाता है। ये दरबार, ये आंगन कुछ अलग ही एनर्जी महसूस कराते हैं, जैसे हर कोने में एक कहानी बस गई हो। और फिर आता है जहांगीर महल, बुंदेला और मुगल दोस्ती का वो निशान जो आज भी अपने शानदार कोर्टयार्ड्स और मीनारे लेकर खड़ा है। तो चलिए इस अद्भुत नगरी के इतिहास और कहानियों में खो जाते हैं। यह है ओरछा, जहाँ की हर दीवार गुजर चुके वक्त की गाथा सुनाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द वंडरलस्ट बोडो। हमारे एक और नए सुहावने दिन में आपका तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो भाइयों, जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम झांसी घूमने आए हैं। बाय रोड हमने दिल्ली टू झांसी ट्रैवल किया और रात को ही हम पहुंचे थे। आपने अगर पिछला व्लॉग नहीं चेकआउट किया तो जरूर जाके देख लेना भाइयों। आज की ये सुबह, फिर से सुबह के बज रहे हैं 8 और बिना कुछ खाए पिए तुम्हारा भाई निकल चुका है डेस्टिनेशन देखने। वैसे मैंने सोचा कि पहले झांसी की रूट चीजों को बाद में कवर करते हैं, दूर दूर की चीजों को पहले आज कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो भाई लोकेशन दिखाता हूँ, मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट करने के लिए जो लोकेशन ढूंढी है भाई, ये देखो गाइस, टड़न टड़ा टड़ाना, है ना भाई मजेदार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि झांसी बेतवा नदी के यहाँ पे लोकेटेड है, तो बस ये है हमारी बेतवा नदी। आप देख ही सकते हैं भाई कितनी विशाल नदी है। ये जो सामने आप पुल देख रहे हो, ये ट्रेन का पुल है, यहाँ से ट्रेन्स जाती हैं। ये पुराना पुल होता था और फाइनली गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बड़ा फ्लाईओवर बना दिया है, जिससे अब लोग कम्यूट करते हैं। मैं तो लोकेशन के लिए इस पुल पे आया था, लेकिन वो अगर आप सामने देखो, वो पुल दिख रहा है, अगर आपको बीच में दिख रहा हो तो कहीं, तो वो पुल अब यूज़ होता है और अब लोग सारे वहाँ से जाते हैं। और बाकी के यार आसपास के पहाड़ देखो यार, बिल्कुल ग्रीनरी से भरे हुए हैं, इतने हरे कि पूछो मत। और वेलकम करो हमारी बीस्ट को आज फिर से, हमारा साथ हमेशा देती हुई। आज का रूटीन मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेट क्रॉस करेंगे आज, और बहुत ही प्यारा एक राम जी का मंदिर है यहाँ पे, जो कि भाइयों जिसकी खासियत आपको बताऊँ, वहाँ असली राम जी बैठे हैं। पूरे भारत में ऐसे दो ही मंदिर है जहाँ पे राम जी की आपको बैठी हुई मूर्ति मिलेगी, नहीं तो हर जगह आप नोटिस करो राम जी आपको खड़े हुए मिलेंगे। ओरछा नगरी में स्थित एक राम मंदिर है, हम वहां जाएंगे ओरछा के मंदिर, और इस ओरछा मंदिर में क्या करेंगे, दर्शन करेंगे। और क्या करेंगे भाई, और कुछ थोड़ी ना करते हैं वहां। वैसे लोकेशन बहुत प्यारी है, वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं वहां भी, लेकिन पहले करेंगे हम दर्शन, फिर करेंगे हम पेट पूजा। चलो भाई, आई एम सो एक्साइटेड। बाकी भाई लोकेशन कैसी थी ये भाई, अगर आपको ये लोकेशन पसंद आई तो इसी बात पे जाके फटाफट लाइक कर दो इस वीडियो को अभी कभी, और सब्सक्राइब कर लो भाई जाके। ठीक है, बस निकलते हैं, चलते हैं आपको डेस्टिनेशन अगली दिखाने। वैसे एक बात बताऊं यार, जो कहीं भी मैं घूमने जाता हूँ, और मतलब ये जो टाइम होता है ना, जब मैं जिस चीज का मैं वेट कर रहा होता हूँ, अरे टुनटुना भैया लगा रहे हैं बेल्ट लगा रहे हैं, गुस्सा नको करो गुस्सा नको, हम मान गया भाइयों। तो मैं कह रहा था, ये जो टाइम होता है ना एग्जैक्टली, जब मौका मिलता है कि चलो अब फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन वाले शहर पे पहुंच चुके हैं और हमें बस अब घूमने जाना है, तो ये जो टाइम है कि मैं कल पहुंचा था और आज घूमने निकल रहा हूँ, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है मेरी कि कब मैं निकलूंगा। अरे बाहर ले जाओ कोई यार, देखो तो सही, एक बार साफ शीशे से दिखाता हूँ यार, रुको, लेट्स क्लियर द ग्लास। मेरे वाइपर ब्लेड्स में दिक्कत आ रही है, मुझे चेंज कराने पड़ेंगे अभी, मुझे लग रहा है। चलो गाइस चलते हैं फटाफट। अरे अरे अरे, रोड के बीच में बंदर का बच्चा, और हटना भी नहीं चाह रहा है। ये देख रहे हो, ढीठ भाई साहब रोड के बीच में बैठे हैं,
और हटना भी नहीं चाह रहे भाई, इतने ढीठ। कोई बात नहीं जी, हनुमान जी हम जा रहे हैं राम जी के मंदिर आज, हमें आशीर्वाद दो। वैसे बहुत ही सारे हैं यहाँ तो। चलो गाइस लेट्स गो, थोड़ा बचा बचा के चलाना पड़ेगा, नहीं तो इन पे गाड़ी चढ़ गई तो भगवान हमें पाप देगा। हमें पाप नहीं चाहिए भैया। गाइस आज हम आपको अब लेके जा रहे हैं ओरछा टेंपल, जो कि राम जी का एक बना, मतलब राम जी का बनाया हुआ नहीं, बनाया तो वो ओरछा की रानी ने था, राम जी के लिए बनाया था और गंगोर तपस्या करी थी रानी ने, तब जाके राम जी ने उनको दर्शन दिए थे, फिर वो उनके साथ आए और उनकी उन्होंने अपना ही ओरिजिनल अवतार एक मूर्ति के फॉर्म में वहां पे स्थापित कर दिया। रानी की इच्छा थी ऐसी, इसीलिए करा था उन्होंने। अगर आपको ये डाउट हो रहा हो कि उन्होंने क्यों किया अपने आप को वहां पे स्थापित, बाकी जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया में दो ही ऐसे मंदिर है जहां पे आपको राम जी की बैठी हुई मूर्ति मिलेगी, बाकी पूरे इंडिया में आप कहीं भी घूम लो आपको खड़ी हुई मूर्ति मिलेगी। बाकी डिस्टेंस यहाँ से 17 किलोमीटर है, 30 मिनट्स का रास्ता है भाई, मजा बांध दूंगा और डेफिनेटली आपको इतने प्यारे दर्शन कराऊंगा। और भाई दूसरी चीज, सिर्फ मंदिर नहीं है वहां पे, मंदिर के अलावा वहां पे राजा और रानी का महल है, जो कि ओरछा के राजा और रानी का महल है। वो महल देखने की कोशिश करेंगे, वो किला देखने की कोशिश करेंगे और वहां की आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स आपको वहां जाके बताएंगे। बाकी राम मंदिर की बहुत ही ज्यादा ही वैल्यू है इंडिया में, दूर दूर से लोग कैसे कैसे आते हैं, बहुत ज्यादा शादियां होती हैं यहाँ पे ओरछा में, तो बस फटाफट अपने आप को शूट अप शॉट 29 मिनट्स दिखा रहा है, फटाफट चलते हैं और आपको ओरछा नगरी से वाकिफ कराते हैं। हाईवे आ गया है, जैसा कि आप बोर्ड पे सामने देख ही रहे होंगे, लेफ्ट को झांसी लिखा है, राइट को खजुराहो लिखा है, तो ये जो सामने फ्लाईओवर जा रहा है ना, ये हाईवे है जो कि आपको खजुराहो भी लेके जा सकता है। बाकी हमें यहाँ से राइट ही मुड़ना है खजुराहो की तरफ, लेकिन हाँ खजुराहो बहुत दूर है, वहां तक नहीं जा रहे हैं। हम आ गए हैं मेन हाईवे पे, 4 लेन हाईवे है ये, 2 लेन इस साइड 2 लेन उस साइड, खजुराहो स्ट्रेट बरेठी बरुआ सागर, बोर्ड आ गया था बरुआ सागर राइट। फाइनली हम पहुंच गए हैं ओरछा के मोड़ पे, ये अगर आप देखो होटल यादव विला पैलेस है यहाँ पे, इस मोड़ से लेफ्ट हो रहा हूँ मैं और बस ये रोड आपको ओरछा लेके जाएगी, ऊपर बोर्ड भी है ओरछा 8 किलोमीटर। बहुत ही प्यारी एंट्रेंस, नाम लिखा हुआ है किसी का, अनिल जैन विधायक, विधायक जी हमारे चचा विधायक हैं। ओरछा पैलेस, वेडिंग पैलेसेस भी बन गए हैं यहाँ पे, रिजॉर्ट्स भी बने पड़े हैं बहुत सारे, अगर आप अच्छा स्टे फैमिली के साथ देख रहे हैं और झांसी नहीं रहना चाहते आप यहाँ आ रहे हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे भी रिजॉर्ट्स ले सकते हैं। बाकी ओरछा का अपना गवर्नमेंट रिजॉर्ट भी है जहाँ पे आपको स्पेशली एक बहुत ही बढ़िया 2000 रुपये का की थाली है वहाँ पे, जैसा मैंने सुना है खाना, मतलब बहुत ही स्पेशल थाली है वहाँ की, और अराउंड 5-6 हज़ार रुपये के कमरे हैं, मतलब जितने भी फिल्म स्टार्स वगैरह या बड़े बड़े लोग आते हैं वो सब ओरछा रिजॉर्ट में ही रुकते हैं। वो तो सामने अगर आपको दिख रहा हो मंदिर, वहाँ तक जाना है हमें बस। चलो गाइस चलते हैं फिर। तो इसी बात पे आज का जयकारा नहीं लगाया, तो आज का जयकारा हम लगाएंगे, तो सारे बोलो जय सियाराम। गाड़ी लगा दिया पार्किंग में, वैसे पार्किंग की यहाँ सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, अगर आप ऊपर देख पा रहे होगे तो इन्होंने रोड पे पार्क करी है, बाकी पर्ची दी है मुझे 30 रुपए की। वो सामने है रानी महल, इसके पीछे है जहांगीर महल जो कि अभी हम देखने चलेंगे। चलते हैं पहले मंदिर में दर्शन करते हैं जो सबसे जरूरी काम है। ये आ गया है मेन चौराया, पुलिस वाले भैया भी खड़े हैं, बाकी ये है मंदिर की एंट्रेंस, यहाँ पे जाना है हमें सीधा, चलते हैं फटाफट और बाकी प्रसाद तो हम अंदर ही लेंगे। ये लग रहा होगा पुराना पुराना मंदिर, लेकिन असल में मंदिर है ये,
इसकी भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। ये वाला मंदिर रानी ने बनवाया था राम जी के लिए, एक स्टोरी है इसके पीछे भी, वापस आके बताता हूँ। रिकॉर्डिंग करना वैसे तो अलाउड नहीं है, पर फिर भी बस ये लाइन लग रही है, लाइन में लगते हैं। वहाँ तक जाना है, वो वहाँ पे रामलला की मूर्ति है। फाइनली गाइस दर्शन कर लिए हैं और प्रसाद भी चढ़ा लिया है। बाकी यहाँ का स्पेशल प्रसाद पेड़े होते हैं, 200 रुपए का आधा किलो मैंने लिया है यहाँ से। और बस दर्शन करके बाहर आ गया हूँ मैं। और बाकी हाँ, स्टोरी बता रहा था मैं इस मंदिर की, स्पेशल स्टोरी। वैसे मंदिर असल में वो है जहाँ पे रामलला की मूर्ति है ये, लेकिन मेरे पीछे जो मंदिर दिख रहा है इसकी एक अलग ही स्टोरी है। तो बात ऐसी है कि ओरछा की जो रानी थी, उन्होंने घोर तपस्या करी है ताकि राम जी उनको दर्शन दे सकें। लेकिन उनकी गंगोर तपस्या के बाद भी राम जी ने बड़ी मुश्किल से, उनके मृत्यु से पहले, उनको एक मूर्ति की फॉर्म में पानी में प्राप्त हुए और वो मूर्ति वो बाहर लेके आई तो राम जी को ने उन्हें दर्शन दिए। तो रानी का पहले से ही प्रोग्राम था कि मैं जाऊंगी और तपस्या करूंगी, राम जी मुझे दर्शन देंगे, वो आएंगे। तो इसीलिए हुआ क्या, रानी ने अपने राजा को और प्रजा को बोल के ये मंदिर पहले से ही बनवाना शुरू कर दिया था। पर लेकिन रानी चली गई तपस्या पे, तो पीछे से ये मंदिर अभी पूरा नहीं बना था और राम जी ने दर्शन दे दिए थे। रानी ने उनसे मांगा था वरदान में, उनसे ये मांगा था कि आप मेरे साथ, मेरी ओरछा इस नगरी में चलो। तो राम जी ने फाइनली उनसे ये कहा था कि मेरी तीन शर्तें हैं, मैं तभी चलूँगा। उनकी पहली शर्त ये थी कि मैं पैदल चल के नहीं जाऊँगा, और दूसरी शर्त ये थी कि मुझे तुम जहाँ बिठा दोगे मैं वहीं हमेशा के लिए बैठ जाऊँगा, और तीसरी शर्त ये थी कि जहाँ से तुम मुझे जिस रास्ते से लेके जाते रहोगे, पीछे की ज़मीन, फूल पौधे सब बंजर होते जाएंगे। ये तीन शर्तें थी राम जी की, तो ओरछा की रानी ने मान लिया था। तो रानी ने उसने बोला कि आप अपने मूर्ति अवतार में ही वापस आ जाओ, क्योंकि ऐसे तो इतने बड़े हैं वो उनको उठा के ले जा नहीं सकते, तो वो मूर्ति में वापस आ गए फॉर्म में। तो मूर्ति रानी उठा के ला रही थी और अपने कंधे पे, तो यहाँ तक आई जब रानी, उन्हें दूसरी शर्त याद नहीं रही राम जी की। उन्होंने बोला था कि मुझे जहाँ बैठाओगे मैं बैठ जाऊँगी। तो रानी पहुँची अपने महल के पास, महल के बिल्कुल सामने उन्होंने यही जो पीछे जो पुराना वाला मंदिर दिख रहा है ये बनवाया हुआ था ऑलरेडी, पर ये मंदिर की कंस्ट्रक्शन अभी पूरी नहीं हुई थी। तो ये जो एग्जैक्टली आपको मंदिर का पीछे गेट दिख रहा है, ये गोल्डन वाला जहाँ पे असली में अभी मंदिर है, वो एक्चुअली यहाँ ओरछा का रानी का मेस होता था, मतलब जहाँ पे खाना वगैरह पकाया जाता है सारी सभा के लिए, मेस होता था। तो रानी आई, उन्होंने लाके राम जी को गलती से अपनी मेस के अंदर रख दिया, क्योंकि वो भी थक गई थी, बहुत दूर से उठा के ला रही थी। तो वो भूल गई कि राम जी ने कहा था मुझे जहाँ तुम पहली बार बिठा दोगे मैं वहीं बैठ जाऊँगा। तो इसीलिए राम जी आज की डेट में इधर विराजमान है, जो कि पहले मेस था। इसीलिए जो मंदिर रानी ने राम जी के लिए बनवाया था वो मंदिर ऐसे का ऐसे ही रह गया। काश ओरछा की रानी उन्हें यहाँ रख पाती तो आज ये मंदिर लोगों के लिए बहुत फेमस हो जाता। बाकी राम जी हमारे यहाँ बैठे हैं और राम जी का ये असली अवतार है। तो भाई फाइनली मैं आ गया हूँ गाड़ी में, और गर्मी का भाई बुरा हाल हो रहा है पसीने से। तो गाड़ी में बैठते जब ठंडी ठंडी एसी की हवा लगती है ना भाई, क्या मजा आता है। बाकी बस वहीं से बगल में मैंने गाड़ी पार्किंग में से उठा ली है, अब मैं जा रहा हूँ रानी महल की तरफ। वहाँ पहुँच चुका हूँ मैं, वो सामने आपको जो दिख रहा है वो है रानी महल। देखने में तो यार बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। बाकी आगे तक चलते हैं और महल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, शायद अंदर जाने की अलग टिकट होगी। तो बस चलते हैं फटाफट और टिकट लेते हैं। गाड़ी लगा दी है। बाकी गाइस यहाँ से उस मंदिर का जो रानी ने बनाया था व्यू देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। बाकी ये रहा रानी का महल। रानी ने मंदिर बनवाया ये ऐसे था कि यहाँ कहीं पे उनका कमरा होगा सामने, और जैसी वो सुबह उठेंगी तो सामने बिल्कुल रामलला के उनको दर्शन होने चाहिए, इस हिसाब से मंदिर बनवाया था। लेकिन रानी जी हमारी भूल गई कि रामलला तो उठेंगे नहीं एक बार बैठ के, तो इसीलिए वो टास्क उनका पूरा नहीं हो पाया। एंट्रेंस पे पहुँच चुके हैं, ये रहा गेट। अरे भाई गेट देखो कितना शानदार, लोहे के कांटे बना के लगाए हैं, ये भी सिक्योरिटी है उस जमाने की है। बाकी यहाँ वो महल कितने की है भैया टिकट? 50 रुपए।
ये है दीवाने आम कोर्ट यार्ड। रानी ने अपना एंट्रेंस कोर्ट यार्ड वहां से एंट्री करी हमने बनाया था। अब बस महल की तरफ चलते हैं। हाँ तो भाई ये हैं भैया, क्या नाम है भैया आपका? बबलू। बबलू नाम है भैया का। ये हमें आज के हमारे गाइड हैं और ये हमें आज घुमाएंगे यहाँ पे। तो अब सारी कहानी सुनते हैं इनसे, ठीक है? महाराजा रुद्र प्रताप 1501 में सिर्फ यहाँ शिकार खेलने आए थे। अच्छा। जब वो 1501 में यहाँ आए, यहाँ कोई बसीगत वगैरह नहीं है, राम जी का मंदिर। अच्छा, कुछ नहीं होता था? कुछ नहीं, घना जंगल, नदी का किनारा, उनको ये जगह पसंद है। अच्छा। उन्होंने अपना मन बनाया कि इतनी अच्छी जगह में हम अपना दूसरा कैपिटल शिफ्ट क्यों ना करें। अच्छा। महाराजा रुद्र प्रताप ने 1501 में इस महल की नींव खुदवाना स्टार्ट करवाया। इस महल की नींव उन्होंने तीन भाग में खुदवाई, दीवाने आम, दीवाने खास, फैमिली कोर्टयार्ड। अच्छा। तीनों पार्ट की नींव खुदवाने के बाद बाहर की ओर जो फर्स्ट पार्ट दीवाने आम बनवाना स्टार्ट किया, 31 में उनकी मृत्यु हो। उनको जो बेटे थे भारतीय चंद, उन्होंने 31 से 54 तक इसको आगे बनाया। 54 में भारतीय चंद की डेथ हो गई। भारतीय चंद के जो छोटे भाई थे मधुकर शाह, उन्होंने 54 से 92 में इसको पूरा कंप्लीट करवाया। अच्छा। यानी 92 इयर्स लगे सर इसको बनने में पूरा। 92 इयर्स लगे इसको बनने में। ओके। तो ये बाहर की ओर रहा फर्स्ट पार्ट दीवाने आम, जो भी आम जनता की प्रॉब्लम होती थी राजा यहीं आके यहीं बैठ। अच्छा, यहीं पे बैठ के सॉल्व करते थे राजा फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ हाँ। अच्छा। फ्लोर पे मंत्री मिनिस्टर। अच्छा ओके। जनता यहाँ, लोकल जनता है या नीचे? अच्छा, तो ये दरबार होता था, दरबार लगता था यहाँ पे। अच्छा ओके। ये दीवाने आम आम पब्लिक मीटिंग। अच्छा ओके। अब चलना है अंदर अपन को राजा महल। अब हम राजा महल जाएंगे। ओके। आ गया राजा महल का बोर्ड है। हाँ। हम अब आ गए हैं अंदर राजा महल के अंदर दीवाने खास में। तो ये सर देखिए दीवाने खास, ये पूरा एरिया दीवाने खास है सर, यहाँ से देखो और यहाँ। अच्छा पूरा। हाँ। दीवाने खास का मतलब राजा का एक पर्सनल प्राइवेट मीटिंग हॉल, सीक्रेट मीटिंग हॉल। सामने वाला जो हॉल देख रहे सर, मंत्री मिनिस्टर राजा बैठते थे। अच्छा ओके। हाँ, देख रहे हैं आप उसके गेट के ऊपर लोहे के रिंग पड़े हैं सर, पर्दों से कवर करते थे। अच्छा, जो लोहे के रिंग है ऊपर लगे हुए हैं। कहाँ लड़ाई करना, चढ़ाई करना, उनकी सीक्रेट मीटिंग चलती थी। लोकल की जनता प्रवेश होना अलाउ इस पार्ट में नहीं था। अच्छा, इस पार्ट में नहीं, नहीं था। लोकल के लिए आउट में। अच्छा ओके। ये जो प्लेटफॉर्म बना है सर, ये है डांसिंग फ्लोर। जी, यहाँ पे नृत्य होता। हाँ, नृत्य होता था। राजा के टाइम पे जो 6 नृत्यकाएं थी डांस करने वाली, उसमें सबसे ज्यादा गीत संगीत में पारंगत थी राय प्रवीण। अच्छा। राय प्रवीण डांसर के लिए यहाँ के राजा ने महल भी बनवाया था, जो आउट में बना हुआ है। अच्छा। जब राय प्रवीण को कोई भी फेस्टिवल टाइम बुलाया जाता था डांस के लिए, राय प्रवीण का जब यहाँ डांस चलता था, तो मंत्री मिनिस्टर यहीं से वहां बैठ के डांस देखते थे। अच्छा। राजा और महारानियां इस झरोखे से बैठ के डांस देखते थे। अच्छा। डांस यहाँ पे होता था। चलो अगली जगह चले अब। चलो देखिए सर, ये 16वीं सदी के हैं, 500 साल पुराने। 500 साल पहले कोई लाइट बिजली का इंतजाम नहीं था। राजा के गेस्टों को यहाँ बैठाला गया। ये जो वाटर टैंक देख रहेगा, इसमें बढ़िया क्लीन वाटर भरा, परफ्यूम वगैरह, गुलाब के फूल वगैरह। अच्छा, इसी में? इसी में। ऊपर जो लोहे के रिंग देख रहेगा। अच्छा। चौड़ा चादर टांगते थे, पर्दा। इसको छुपाते थे क्या? नहीं नहीं, फिर पर्दा टांगते थे। अच्छा। देखिए पहले एक संतरी यहाँ खड़ा हुआ, पर्दे की दूरी ये रही, पर्दे को जब अपने अपडाउन किया। अच्छा, तो उसकी हवा महक आती थी। हाँ, ठंडी हवा और महक आती थी। नेचुरल एयर कंडीशन की खुशबूदार हवा। अच्छा, नेचुरल एसी का सिस्टम था ये। जी जी। महल सर 500 साल पुराना होगा। पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, पेंटिंग 400 साल पुरानी है। ये नेचुरल कलर है। अच्छा, 400 साल पुरानी है। पत्तियों से बॉइल करके कलर निकाला, वेजिटेबल कलर है ओरिजिनल। अच्छा, सारे वेजिटेबल के कलर है नेचुरल। फैमिली कोर्टयार्ड में, जहाँ राजा की फैमिली रहती थी। अच्छा। पर तीसरे नंबर पे जो राजा रहे मधुकर शाह, उनकी जो धर्म पत्नी थी रानी कुंवर गणेशी बाई। अच्छा। वो भगवान राम की उपासना करती थी और तपस्या करके भगवान राम की प्रतिमा को अयोध्या से यहाँ लेके आई थी। वहीं से अयोध्या थी, और उन्हीं ने वो राम मंदिर बनवाया जहाँ आप लोग दर्शन करते हैं। ये प्लेटफॉर्म बनवाया था रानी को, कोई मीटिंग करना, डांस वगैरह इसी पे होता था। अच्छा, रानी का। हाँ। इस महल के अंदर टोटल 5 आंगन बनवाए थे। सबसे बड़ा आंगन चौक फील्ड अपन नीचे वाला, जो नीचे वाला है, और 4 ऊपर बने, ये छज्जे निकले। अच्छा। हाँ, समझ गया। 2, 3, 4, 5 आंगन है। विंडो देख रहा था, ये विंडो नहीं गैलरी है, चारों तरफ। अच्छा। राउंड देने के लिए रही छतरी टाइप के, जो छोटे छोटे रूम बने हैं। हाँ। संतरी पहरेदार खड़े होते थे चौकसी के लिए, निगरानी के लिए। अच्छा, पहरेदार खड़े होते थे उन डोम्स के अंदर है। ये देखिए सर, जो महारानी महाराजा का रूम है, इसमें जो पेंटिंग है वो रामायण पे आधारित है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, रामायण पर आधारित पेंटिंग है इसमें, क्योंकि वो राम उपासक। ये रानी का रूम है। अच्छा, रानी का रूम है। ये देखिए। अच्छा जी,
राम सरोवर बनाया था पूरा। अच्छा ये बना हुआ है, जैसे कि राम सीता हनुमान जाम्बद विष्णु भगवान भरत शत्रु लक्ष्मण तीनों भाई ये समुद्र मंथन है, विष्णु भगवान के अवतार है सब। अच्छा ये मत सत्ता तत्सत्ता ब्रह्मा वरह नरसिंह परशुराम, कुछ पानी की शीशे से यहाँ पेंटिंग खराब हुई है। अच्छा अच्छा पानी की वजह से खराब हो गई है, छत की सीलन से। ये भी वही नेचुरल कलर की होगी, तो मतलब पूरा रामायण का सारा वर्णन यहाँ पे 400 साल पहले छापा था है। ओके तो बस अब हम जा रहे हैं जहांगीर महल देखने, और बाकी रास्ते में एक बहुत प्यारा सा होटल है ये है होटल शीश महल। अच्छा ओके, बाकी ये जहांगीर महल अभी इसको विजिट करने जा रहे हैं। तो देखिए सर जिस महल में आप आए हैं ये जहांगीर महल है, मगर जब ओरछा एक बुंदेला डायनेस्टी है, बुंदेला राजपूतों का राज रहा, तो जहांगीर महल क्यों बना? देखिए सर जिस महल में आप आए हैं ये जहांगीर महल है, जो यहाँ पर चौथे नंबर पर राजा रहे वीर सिंह थे, उन्होंने इस महल को जहांगीर के स्वागत और सम्मान में बनवाया। अच्छा जहांगीर के। हाँ जहांगीर जो था अकबर का बेटा था सलीम, सलीम का ही नाम जहांगीर। अच्छा तो एक हिंदू राजा ने उस टाइम पे भी मुसलमान राजा के लिए महल बनवाया स्पेशली, ये तो अच्छी बात है। इस महल का निर्माण महाराजा वीर सिंह देव ने 1605 से 27 में कराया। अच्छा 1605 से 27, तो इसको कम टाइम लगा। हाँ 1692 साल, ये 22 साल। अच्छा ये 22 साल, 1605 से 27 मतलब 22 साल लगे इसको बनवाने में। 27 में जहांगीर आया, एक रात रुका और चला गया। अच्छा बस एक ही रात रुके और वो चले गए, इसलिए इस महल का नाम जहांगीर महल। इसको हिंदू राजा ने बनवाया मुस्लिम के लिए, इसलिए इसमें हिंदू इस्लामिक आर्किटेक्चर दिए सर, जैसे आप देख रहे छज्जे के नीचे हाथी बने, छज्जे के नीचे हाँ हाथी बने, हाथी बने हैं जो हिंदू आर्किटेक्चर है। आप जैसे ये वाला डूम देख रहे हैं ऊपर, हाँ ऊपर बड़ा वाला एकदम प्लेन है मस्जिद टाइप का, हाँ कोनस वाला देखो आप लोटस फ्लोवर लाइनिंग कमल का फूल। अच्छा उधर वाला लोटस का है, हाँ वो हिंदू में। अच्छा वो हिंदू वो डोम है। धूप से थोड़ा कलर चेंज हो गए हैं सर, ग्रीन एंड ब्लू दो कलर यूज किए थे इसमें। अच्छा। तो ब्लू हिंदू कल्चर होता है, ग्रीन मुस्लिम कल्चर। अच्छा दोनों का मिक्सचर बनाया गया है। थोड़ा सा कष्ट देंगे सर, इतनी सीढ़ी चढ़ेंगे। हाँ चढ़ेंगे, क्यों नहीं चढ़ेंगे। तो वहाँ से अपन को पूरा ओरछा का व्यू दिखेगा, चलो तो मैं आपको बताऊंगा। चलो 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 मेहनत तो करेंगे भैया, सारी सीढ़ियाँ चढ़ के अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ से हमें पूरा ओरछा का व्यू आएगा। यहाँ ये देखो भाई है ना क्लासिक, ये महाराजा स्वीट है इस होटल का, महाराजा स्वीट रूम है ये ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन सा, वो जो सामने एसी लग रहा है जहाँ पे? नहीं ये नीचे बेड दिख रही है बरामदे। अच्छा वो नीचे। हाँ ओके, कितने का देते हैं कमरा? 14,000 का। 14,000 का ये महाराजा स्वीट। हाँ महारानी स्वीट है इसके नीचे, वो 12,000 का। अच्छा उसके नीचे कमरा है 6,000 का, ऑर्डिनरी 6,000 का। या लेके आए एक और सुंदर बहुत बढ़िया जगह। ये सर जो तीसरा महल होता है यहाँ का, हाँ ये वाला प्रवीण महल जो डांसर का महल। अच्छा जो डांसर थी इनकी, उनके लिए एक अलग से महल बनवाया हुआ था राजा ने। देखिए सर इसकी एक स्टोरी भी है लवली, एक दो तीन लाइन की। हाँ बताइए। मैं बताता हूँ, देखिए राय प्रवीण जो थी राजा के टाइम पे रॉयल डांसर थी, राज्य नर्तिका। अच्छा रॉयल डांसर के साथ साथ उस पीरियड की काफी सुंदरी थी, कावित्री थी, कविता लिखती थी। जब उसकी सुंदरता की खबर आगरा दरबार में पहुंचती है, हाँ। तो बादशाह आदेश जारी करता है कि राय प्रवीण अब ओरछा दरबार की शोभा न बढ़ाकर आगरा दरबार की शोभा बढ़ाए। अच्छा हिंदुस्तान के बादशाह का कहना तो टाल नहीं सकते, हाँ। क्योंकि सभी राजा बादशाह के अंडरटेकिंग में थे, हाँ। सभी का शहर पैसा कमीशन बना था, हाँ। उस पीरियड के जो नगरवासी थे, हाँ। सभी ने राय प्रवीण को समझाया, पर राय प्रवीण ने साफ मना कर दिया, मैं आगरा दरबार में डांस के लिए नहीं जाऊंगी। अच्छा उन्होंने बोला मैं यहीं रहूंगा। उस पीरियड में जो चौथे नंबर पे राजा रहे वीर सिंह देव, उनके बेटे इंद्रजीत की वो प्रेम का थी। अच्छा। जब महाराजा इंद्रजीत ने उसको समझाया तो राय प्रवीण आगरा दरबार जाने के लिए राजी हो गई। अच्छा उन्होंने समझाया, हाँ प्रेम का थी वो। हाँ उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बादशाह से पंगा लेना तो है मुश्किल, तो उसको समझा बुझाकर आगरा दरबार में पहुंचाया। आगरा दरबार में जब वो पहुंचती है तो अपना दो लाइन का एक दोहा पढ़ती है, बादशाह के दरबार में हाथ जोड़कर विनय करती है, कहती है विनती राय प्रवीण की सुनिए साय सुजान, विनती राय प्रवीण की सुनिए साय सुजान, और झूठी पातल भगत हैं बारी वाय स्वान, मतलब बारी माने निचले लोग। अच्छा। वाय माने कौआ, स्वान माने कुत्ता, झूठी पत्तल को सिर्फ यही लोग खाते हैं। नीचे और हाँ और मैं महाराजा इंद्रजीत की झूठी पत्तल के समान। अच्छा।
बादशाह अपने सिंहासन से भड़क कर खड़ा होता है, हीरे मोतियों की जो माला पहने होता है सब तोड़कर राय प्रवीण की झोली में डालता। कहता है, राय प्रवीण, आज तक मैं तुम्हारी खूबसूरती से बगावत तो था, पर तुम्हारी दिलेरी ने मेरी नजरों में इज्जत और बढ़ा दी। उधर का राजा बोलता है बादशाह, क्योंकि झूठी पत्तल बाके में कुत्ते खाते हैं और मैं तो हिंदुस्तान का सम्राट और बादशाह हूँ। उसने हुक्म जारी कर दिया, राय प्रवीण को सत सम्मान के साथ वापस ओरछा पहुंचाया जाए, उसके लिए एक महल बनवाया जाए। जब बादशाह के आदेश पर महाराजा वीर सिंह देव ने उस डांसर के लिए महल बनवाया। ये वाला महल बनवाया था, देख लो भाई, डांसर के लिए भी महल बनाया जा रहा है उस जमाने में, बहुत पैसा है। बाकी ये मंदिर, ये जो है, ये सारे बंद पड़े हैं सर, इसको शाही दरवाजा बोलते हैं। जब जहांगीर आया था तो इसको फूल मालाओं से सजाया। अच्छा, यहाँ से एंट्री हुई थी उनकी। वो ये छोटी बिल्डिंग देख रही है पेड़ के आगे, इसको हमाम खाना बोलते हैं। अच्छा, ये जो पेड़ के आगे जो ये हमाम खाना बोलते हैं, जो जहांगीर के एक और नहाने के लिए, रिलैक्स के लिए बनवाया था। अच्छा, ना जहांगीर के लिए, अपने लिए। ओके, फाइनली दोस्तों फोर्ट घूम के आ गए हैं। आपको कैसा लगा भाई फोर्ट और ओरछा मंदिर, कमेंट करके जरूर बताओ भाई। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो भाई फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप आगे की वीडियोस भी देख पाओ। और अभी जस्ट एक अर्जेंट फोन कॉल आ गया मामा के घर से कि उन्होंने पाठ रखा है, कोई पूजा रखी है घर पे, तो इसीलिए वो अर्जेंटली बुला रहे हैं। तो फटाफट अभी पूजा में चलते हैं, आपको थोड़े बहुत शॉर्ट्स डाल दूंगा पूजा के, एंजॉय करो आप तब तक, फिर आपको अगली जगह लेके चलता हूँ। तो भाई फिर पाठ वाठ अटेंड करके, रेस्ट वगैरह करके, दोबारा नहा धो के तुम्हारा भाई फिर से निकल पड़ा है झांसी की उन्हीं गलियों में। एक्चुअली मेरी छोटी सिस्टर का बर्थडे था आज, तो वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बाहर पार्टी रखी गई है, तो बस वहीं जा रहा हूँ मैं रेडी वेडी होके, बस फटाफट चलते हैं। बाकी पार्टी के भी थोड़े बहुत क्लिप्स में डाल दूंगा, देखो एंजॉय करो। सारे दिन की कड़ी मेहनत और कई घंटों के नाचने के बाद तुम्हारा भाई थक चुका है यार। अच्छा ये देख लो, ये होटल तुलसी है, यहाँ पर थी पार्टी भाई। अच्छा रीजनेबल था चार्जेस भी, और खाना भी अच्छा क्वालिटी का खिलाया। बाकी रूम्स वगैरह भी होंगे इस होटल में, डेफिनेटली ज़्यादा महंगा नहीं है और क्वालिटी भी अच्छी है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा भाई होटल तुलसी में आ जाओ, जहाँ से आ रहे हो तो बढ़िया काम बन जाएगा। बाकी गाइस बहुत मज़ा आया, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। अगर आपने वीडियो ये यहाँ तक देख ही लिया है तो भाई सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना, लाइक ठोक दो और शेयर कर लो जितना ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी फिर मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, सायोनारा, बाय बाय, लव यू।